सबसे पहले हम कान मास्टर ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। वहाँ से हम एक 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करके एक बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, उसका लेंथ अपने वीडियो के हिसाब से रखेंगे। फिर बैकग्राउंड के स्टार्टिंग में आकर लेयर पे, फिर मीडिया पे क्लिक करके वहाँ से अपना वीडियो पिकअप करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट वीडियो पिकअप किया। इसे हम जूम इन एंड ड्रैग करके लेफ्ट साइड में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद में फिर वापस हम जहाँ पे वीडियो एंड हो रहा है तो वहाँ पे जाके हम दूसरा वीडियो सेलेक्ट करेंगे मीडिया लेयर पे जाके। तो मैंने दूसरा वीडियो अपना सेलेक्ट किया एंड उसे हम उठा के राइट में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले लेफ्ट में एडजस्ट किया था। तो इसे हम जूम इन करके राइट में एडजस्ट करेंगे। तो अभी हम राइट साइड वाले वीडियो का एक इमेज कैप्चर करके सेव करेंगे एंड उसके बाद में हम लेफ्ट साइड वाले वीडियो का एक इमेज कैप्चर करके सेव करेंगे। एंड स्टार्टिंग में हम फिर से जो फर्स्ट कैप्चर किया था, जो हमें राइट साइड वाले वीडियो का है कैप्चर, वो हम यहाँ पे राइट साइड में स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड वाला वीडियो चलेगा। तो उसे हम ड्रैग करके वीडियो की लेंथ के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे जहाँ से हमारा सेकेंड वीडियो स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हम फर्स्ट वाली इमेज को लगाएंगे। तो उसे हम ड्रैग करके वीडियो की लेंथ के बराबर एडजस्ट कर लेंगे, और वीडियो का लेंथ नहीं तो हम स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा वीडियो रेडी हो गया, तो इसे प्ले करके देखते हैं अभी। अगर मरना हो आपको तो छेड़ कर देख लेना वो आपको। ओहो तो ये हमारा स्प्लिट वीडियो चल रहा है 1:1 स्क्रीन में, एंड ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। भाई तुझे वो दुकान वाला दिख रही है? हाँ भाई दिख रहा है, आज मैं उसे चूना लगाऊं। तो दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो।